अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का दिन जो है हमारा जो मिस्त्री है वो सामान लेकर आ गया, दरवाजे वगैरह फिटिंग कर रहा है। तो चलते हैं अभी मकान की तरफ और देखते हैं कि क्या फिटिंग कर रहा है और आपको बताते हैं कि क्या रेट्स में दरवाजे वो बना कराया है, कौन सा रेट है। वैसे तो हमने सबसे जो सस्ते दरवाजे बनते हैं वो बनवाए हैं, तो आपको उनका भी बताते हैं कि क्या रेट चल रहा है। तो गए अभी हम मकान की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ ही देर में हम मकान में पहुंच जाएंगे और आप जाके दिखाते हैं कौन से दरवाजे हम बनवा के लाए हैं। फैसलाबाद से बनवाए हैं हमने। जिन्होंने सुराग करने थे वो चूड़ियाँ डालनी थी, तो उन्होंने आकर बताया कि ये हमारे पास नट थे, हाफ नट है, तो ये नहीं लगेगा, ये वाला नट है, ये आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, हाँ ये वाला नट है, ये लगेगा मशीन के साथ। तो अभी हम बाजार जा रहे हैं वो नट लेने। पेज वगैरह जो थे हम लेके आ चुके हैं, सामान जो भी था हमें चाहिए वो लेके आ चुके हैं। तो बाहर गर्मी बड़ी है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अभी आप लोग फिटिंग के साथ हैं।
भी दरवाजे हो रहे हैं फिट, तो हमने मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें शीट चाहिए जो दरवाजों के पीछे लगानी है पानी से बचाने के लिए, तो अभी हम वो लेने जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मिस्त्री लगे हुए हैं, मैं अबू के साथ जाऊँगा, तो अभी वो लेके आते हैं। शीट लेके हम आ चुके हैं, अभी घर आ चुके हैं, शीट लेके अभी फिट करेंगे दरवाजों का, वो भी आपको दिखाते हैं। आज के दिन तो बस दरवाजों और कुंडियों की फिटिंग हुई है और ज्यादा काम हुआ नहीं, वैसे काम तो पीछे रह कोई नहीं गया। वो जो शीट्स हैं वो रहती हैं लगने वाली, जो पानी से बचाती हैं दरवाजों को गलने से, तो वो शीट्स कल लगेगी। तो उम्मीद है कि जब मैं उठूंगा वो शीट वो लगा चुके होंगे, तो वो लगाने की तो वीडियो मुश्किल है, अगर हो सका तो मैं करूंगा रिकॉर्ड। तो वैसे मैं आपको सुबह मैं जाऊंगा विजिट करने और आपको भी साथ दिखाऊंगा कि दरवाजे ले और कुंडियां लगने के बाद मकान की लुक कैसी आई है और मकान कैसा लग रहा है। दोस्तों आज दोबारा मैं मकान की तरफ जा रहा हूं, कल दरवाजे वगैरह लगे थे, कुंडियां वगैरह फिट हो गई थी, तो आज मैं जाके देखता हूं। वैसे पता तो चला है कि उन्होंने जो शीट्स हैं वो भी फिट कर दी हैं, देखते हैं अगर तो फिट हुई तो आपको दिखा दूंगा, वैसे अगर नहीं फिट हुई तो वो फिट होते हुए भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे फिट करते हैं। तो अभी मैं मकान के पास पहुंचने वाला हूं, तो आपको मकान दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। देख सकते हैं ये हथियां भी इसके लग चुकी हैं, ये कुंडी भी लगा दी है और नीचे ये पानी से बचत के लिए हमने ये लगा दी है स्टील की, जो शीट होती है चादर होती है वो लगा दी है ताकि पानी से ये दरवाजे खराब ना हो। और तकरीबन मुकम्मल हो गए, अभी इन्हें पेंट वगैरह रह गया और दरवाजे मुकम्मल हो गए, देखे यहाँ पे कुंडी लग चुकी है। और अभी मिस्त्री साहब खिड़कियों का साइज ले रहे हैं, अब देखेंगे खिड़कियाँ एलुमिनियम की सस्ती बनेंगी या लकड़ी की सस्ती बनेगी, फिर उस हिसाब से हम खिड़कियाँ बनवाएंगे इसकी। और यहाँ पे अभी रहती है वो ग्रिल लगनी, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि कौन सी लगवाएं, सस्ती कौन सी पड़ेगी, तो उस हिसाब से वो लगवाएंगे। अभी कुंडियाँ जो है वो लग चुकी हैं, दरवाजे फिट हो चुके हैं, मैं मकान में पहुँचा तो काम सारा मुकम्मल कर लिया उन्होंने, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो शीट्स जो है वो लग के कैसे लग रही हैं। आप देख सकते हैं दरवाजा कितना प्यारा लग रहा है, दरवाजे मैं तो सोच रहा था दरवाजे को पेंट ना करवाया जाए, ये शीट वगैरह लगवा ली है ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। हमारे ये भाई हैं, इन्हें भी मैंने कह दिया मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, तो इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, इन्होंने बहुत साथ दिया है और मेहनत भी काफ़ी की है इन्होंने, दरवाजे लगा दिए हैं हमारे अच्छी तरह से फिट कर दिए हैं। अभी मैं मकान की छत पे मौजूद हूँ, मकान में ये ऐसी खुली डुली छत है, ये कमरा भी है इसके, इसी के साथ सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और ये यहाँ एक वाशरूम है, वो टैंकी रख दी है और ये इस तरह का मकान है। रात को वो हमारे जो मिस्त्री साहब हैं वो गए नहीं थे, वो रात इधर ही सोए थे, तो उनके लिए हमने सोने का इंतज़ाम किया हुआ था। तो अभी मकान का काम मुकम्मल हुआ नहीं है, अभी रहता है वाशरूम वगैरह की सैनिटरी का सामान सारा रहता है और दरवाजे वगैरह पेंट होने रहते हैं। मैंने दिखाया था आपको सीढ़ियों की ग्रिल है वो रहती है, अभी काम बहुत सारे रहते हैं तो आपको वो भी साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।